हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम करने वाले हैं हैबिट्स चैप्टर जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है नीट एमडीएस में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो गाइज शुरू करते हैं सबसे पहले हैबिट क्या होता है उसका डेफिनेशन जान लेते हैं सो हैबिट कैन बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू एन एक्ट ओके

अब इस डेफिनेशन को समझते हैं इस एग्जाम्पल से तो वो थम डाल रहा है तो मतलब क्या कर रहा है वो टेंडेंसी टू एन एक्ट वो एक्ट कर रहा है थम डाल रहा है माउथ में एंड हैज बिकम अ रिपीटेड परफॉर्मेंस मतलब बार बार डाल रहा है रिपीटेडली वो एक आदत बन चुकी है तो वो फिक्स है एंड कंसिस्टेंट एंड आसानी से कर पा रहा है तो ये हैबिट का डेफिनेशन है ओके इन द इनिशियल स्टेजेस देयर इज अ कॉन्शियस अफर्ट टू परफॉर्म द एक्ट लेटर द एक्ट बिकम लेस कॉन्शियस अब इसका क्या मतलब है पहले तो वो कॉन्शियसली कर रहा है उसको पता है पर एक टाइम ऐसा होता है वो बार बार करता है बार बार करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि अनकॉन्शियसली हो जाता है उसको ध्यान नहीं रहता फिर भी वो मुंह में हाथ डालते रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अनकॉन्शियसनेस बन जाता है वो एक हैबिट तो इफ द रिपीटेड ऑफन एफ एनफ मे एंटर द अनकॉन्शियसनेस जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है यहाँ पे ओके okay? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हैबिट्स का जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहला उसने डिवाइड किया है यूजफुल एंड हार्मफुल हैबिट एक यूजफुल हैबिट है और एक हार्मफुल हैबिट है तो यूजफुल हैबिट क्या है दिस इंक्लूड हैबिट्स दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन सच एज प्रॉपर ऑफ द टंग रेस्पिरेशन एंड नॉर्मल डिग्लूटेशन मतलब यूजफुल हैबिट वो है जो नॉर्मल फंक्शन में काम आता है जैसे पोजिशनिंग ऑफ द टंग रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग नॉर्मल डिग्रुटेशन करते हैं सोलो करते हैं तो ये एक है, है, okay? क्या है यूजफुल हैबिट है ओके जो नॉर्मल फंक्शन करता है अब हार्मफुल हैबिट क्या है दिस इंक्लूड हैबिट्स दैट हैव अ डिलिट्रियस इफेक्ट ऑन द टीथ एंड देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सच एज थम सकिंग एंड टंग थ्रस्टिंग तो हार्मफुल हैबिट ये है जिसमें हम जैसे हम थम सकिंग करते हैं टंग थ्रस्टिंग करते हैं बच्चे उसमें क्या होता है वो इफेक्ट करता है टीथ पे वो प्रोक्लाइन टीथ कर सकता है स्पेस टीथ कर सकता है ओवर जेड ओवर बाइट इंक्रीज कर सकता है तो ये सारे इफेक्ट करता है टीथ में तो ये हार्मफुल इफेक्ट है किसकी वजह से हो रहा है थमसगिंग और टंग थ्रस्टिंग की वजह से अब दूसरा क्लासिफिकेशन एम टी एंड मीनिंगफुल हैबिट एम टी हैबिट क्या है मीनिंगफुल हैबिट क्या देखते हैं हैबिट दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब एम हैबिट वो होता है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो रहा कोई डीप रूटेड होता है कोई बच्चा एनजाइटी फियर में रहता है सब्जेक्टिव फियर्स रहता है उसको तो वो उसकी वजह से वो करता है ये हैबिट को या फिर कुछ एनजाइटी होता है इन सब की वजह से कर सकता है वो जब डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में होता है बट ये वैसा नहीं है ये नहीं एसोसिएटेड है तो मतलब वो एम हैबिट हो गया अब मीनिंगफुल हैबिट क्या है दे आर that दैट a साइकोलॉजिकल बियरिंग जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा पेशेंट को बच्चे को तो वो जो हैबिट है वो मीनिंगफुल हैबिट है अब बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन प्रेशर नॉन प्रेशर और बाइटिंग हैबिट अब प्रेशर हैबिट क्या है दिस इंक्लूड सकिंग सच एज थम सकिंग लिप सकिंग फिंगर सकिंग एंड ऑल्सो टंग थ्रस्टिंग तो प्रेशर हैबिट मतलब वो थम से प्रेशर लगा रहा है ओके तो वो थम सकिंग हो सकता है लिप सकिंग हो सकता है फिंगर सकिंग हो सकता है टंक थ्रस्टिंग हो सकता है तो ये ऑल दीज ऑल आर प्रेशर हैबिट ओके अब नॉन प्रेशर हैबिट की बात करते हैं नॉन प्रेशर हैबिट क्या है विच डू नॉट अप्लाई अ डायरेक्ट फोर्स ऑन द टीथ एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे माउथ ब्रीदिंग अब नॉन प्रेशर माउथ ब्रीदिंग नॉर्मल ले रहे हैं इसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा है सराउंडिंग टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यूज को तो ये नॉन प्रेशर हैबिट हुआ अब बाइटिंग हैबिट बाइटिंग हैबिट क्या है दिस इंक्लूड नेल बाइटिंग पेंसिल बाइटिंग लिप बाइटिंग कोई कोई स्टूडेंट्स में होता है नेल बाइट करते हैं पेंसिल बाइट करने लगते हैं तो ये जो है वो बाइटिंग हैबिट्स हो गया अब दूसरा चौथा देखते हैं कंपल्सिव एंड नॉन कंपल्सिव हैबिट अब कंपल्सिव हैबिट कैसे बोलेंगे दीज आर डीप रूटेड हैबिट दैट द चाइल्ड रिट्रीट्स टू दैबिट वेन एवर हिज सिक्योरिटी इज थ्रटेंड बाय इवेंट व्हिच अकर अराउंड हिम सिंपल सा एग्जांपल। अगर इसमें यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि कंपल्सिव हैबिट उसे हम बोलते हैं आप ये सेकेंड पॉइंट से क्लियरली समझ जाएंगे The the child tends to to suffer increased anxiety when attempts are made to correct the habit. Mouth, uh, finger या तो मत कर फिर भी वो कर रहा है तो मतलब अगर वो बार बार कर रहा है और हम उसको मना कर रहे हैं तो उससे जो उसको वो इनसिक्योरिटी मतलब होगी उनको तो उसको बोलते हैं हम habit

एज चाइल्ड मेच्योर तो ये आसानी से सीख लेता है बच्चा करने के लिए बट जैसे habit. Okay? अब बात करते हैं सबसे पहले थम सकिंग एंड डिजिट सकिंग होता है तो डिजिट सकिंग इज डिफाइंड एज प्लेसमेंट ऑफ थम वन और मोर फिंगर्स इन वेरिंग डेप्ट माउथ वो एक फिंगर भी डाल सकता है मोर फिंगर भी डाल सकता है डेप्थ इन टू माउथ अलग अलग जगह पे डालता है माउथ में तो ये दम सॉरी थम एंड डिजिट सकिंग हो गया ओके नाउ द प्रेजेंस ऑफ दिस हैबिट इज कंसिडर्ड क्वाइट नॉर्मल टिल द एज ऑफ थ्री टू फोर ईयर्स मतलब ये नॉर्मल होगा थ्री टू फोर इयर्स तक मतलब अगर तीन से चार साल तक बच्चा अगर ये कर रहा है तो वो नॉर्मल है बट अगर इससे ऊपर मतलब पांच साल छह साल में अगर ये करेगा तो वो एबनॉर्मल हैबिट हो जाएगा तो पहले फिगर में देखिए ये बच्चा दो साल दो साल का है तीन साल का है तो ये अगर ये थम हैबिट कर रहा है तो ये नॉर्मल है बट सेकेंड फिगर में देखिए दैट गर्ल इज ऑफ एट ईयर्स वो अगर कर रही है तो दैट इज एबनॉर्मल तब वो एक हैबिट हो गया ओके okay? अब एटियोलॉजी क्या एडियोलॉजी है इसकी क्यों हो रहा है ये अ नंबर ऑफ थ्योरीज आर पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन दम सकिंग हैबिट तो सकिंग के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए तो so, पहले थ्योरी की बात करते हैं फ्रूडियन थ्योरी जो है जो कि सिगमड फ्र्यूड ने दिया था सिगम्ड फ्रूड बोलता है कि दैट अ चाइल्ड पासिस थ्रू वेरियस डिस्टिंग फेजेस ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट विच द ओरल एंड द एनल फेज आर सीन इन द दर्स्ट थ्री मतलब सिगमंड फ्रूड जो है वो बोलता है कि जो एक बच्चा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से पास होता है जिसमें कि यही important याद रखना टेंडेंसी टू प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इन into the mouth आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे है, होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि कुछ भी फिंगर ले लिया कुछ भी बॉटल हो गया या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया सीधा मुंह में डाल देते हैं तो फ्रॉडियन थ्योरी ये बताता है कि बच्चे में ऐसा एक एज आता है साइकोलॉजी होती है फेजेस होते हैं वो बच्चा ऐसा करता है ओके okay? तो वो एक होता है बट अगर वो उस एज के बाद भी कर रहा है तब वो एबनॉर्मल हो जाएगा ओके okay? ना दूसरा थियोरी बोलता है ओरल ड्राइव थियोरी ऑफ एंड वाइज का थ्योरी ये क्या बोलता है प्रोलॉन्ग सकलिंग कुड लीड टू थम सकिंग हैबिट अब इसका क्या मतलब है जब बच्चा फीडिंग करता है जब मदर फीडिंग कराती है उन्हें सकलिंग करता है तो वो सकलिंग अगर माँ फीडिंग करवा रही है बच्चे को कुछ एज तक होता है उसके बाद भी अगर बच्चा सकलिंग कर रहा है तो वो एक हैबिट बन जाएगा और अगर माँ उसको फीडिंग नहीं कराएगी तो तब वो क्या करेगा अपना थम सकिंग करेगा उस जगह पे वो सोच वो उसको प्लेजर होगा वो करेगा तो वो एक हैबिट बन जाएगी उसकी

अब आपने देखा होगा कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं है। कुछ भी कुछ भी होता है अपना मतलब हेड और टंग ले जाते हैं उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी दे दो उनको बॉटल दे दो कुछ भी दे दो फिगर दे दो किसी का तो वो अपना टंग मुंह ले जाते हैं उनके पास ऑब्जेक्ट के पास ये उनकी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट इज मदर ब्रेस्ट और फिंगर और प्रैक्ट पेसीफायर्स कुछ भी हो सकता है ब्रेस्ट भी हो सकता है फिंगर भी हो सकता है पेसीफायर्स भी हो सकता है तो रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपेयर इन नॉर्मल इन्फेंट्स अराउंड सेवन टू एट मंथ्स ऑफ एज तो ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स हो रहा है ये सेवन टू एट मंथ्स तक खत्म हो जाता है अगर उसके बाद भी रहा तो फिर ये है क्या हैबिट है एबनॉर्मल हैबिट है अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो चाइल्ड डिप्राइव ऑफ पेरेंटल लव केयर एंड एफेक्शन आर बिलीव टू रिजॉर्ट दिस हैबिट ड्यू टू फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अब क्या होता है कि बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं उनसे अटैच रहते हैं अब अगर उनसे दूर कर दिया जाए तो क्या होता है उनमें एक हैबिट आ जाती है इनसिक्योरिटी आ जाती है उनमें तो वो ऐसा फिर वो डर के मारे ऐसा करने लगते हैं अब बात करते हैं लर्नड पैटर्न थम सकिंग इज मेयरली अ लर्न पैटर्न विद नो अंडरलाइंग कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बियरिंग अब ये क्या बोल रहा है कि ये लर्न पैटर्न है मतलब बच्चा दूसरे से सीखता है दूसरे वो दूसरा बच्चा अगर डाल रहा है तो ये दूसरा बच्चा भी डालने लगता है मतलब देख के सीख रहा है ये ये कोई साइकोलॉजिकल बियरिंग नहीं है ये ये कहना चाहता है ओके okay? तो ये सारे थियोरीज एक्सप्लेन करते हैं कि सकिंग हैबिट होता है उसके कॉजेस बता रहे है लोग अब बात करते हैं फेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो फेजेज होता है इसके सकिंग हैबिट के पहला फेज नॉर्मल और सब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट तो पहला जो स्टे फेज है वो नॉर्मल और सब क्लिनिकली है मतलब इसमें क्लिनिकली कुछ नहीं दिखेगा ये कब तक कब से कब तक रहता है फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ लाइफ तक तो फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ लाइफ तक सब क्लिनिकली रहेगा क्लिनिकली कुछ नहीं दिखेगा नॉर्मल रहेगा ड्यूरिंग दिस फेज इज कंसिडर्ड क्वाइट नॉर्मल एंड यूजअली टर्मिनेट एट द फेज वन अगर इस फेज में अगर बच्चा मान लो एक एग्जाम्पल ले लो थम सकिंग कर रहे हैं तो वो नॉर्मल माना जाएगा क्योंकि मैंने बोला था सेगमेंट फ्राउड ने बोला था एक साइकोलॉजिकल बच्चा डेवलप होता है साइकोलॉजिकल फेजेस से गुजरता है तो वो ये पहला फेज़ है ये नॉर्मल नहीं होगा एट द एंड जब ये फेज खत्म होने लगेगा तो वो छोड़ देगा इस हैबिट को अब बात करते हैं फेज टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सकिंग अब क्लिनिकली होगा सेकेंड फेज एक्सटेंड बिटवीन थ्री टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज तो ये तीन से साढ़े छः साल तक के एज में रहेगा द प्रेजेंस ऑफ सकिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इंडिकेशन दैट द चाइल्ड इज अंडर ग्रेट एनजाइटी मतलब ये फेज इंडिकेट करता है कि हाँ अब बच्चे को एनजाइटी है बच्चे को एनजाइटी है इसलिए वो कर रहा है ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस फेज अब इस फेज में ट्रीटमेंट शुरू कर देना है ओके okay? अब फेज थ्री की बात करते हैं फेज थ्री यानी कि इंट्रेक्टेबल सकिंग इसमें क्या होता है सकिंग टू मतलब चार से पांच साल के बाद भी वो सकिंग कर रहा है शुड अलर्ट होना पड़ेगा कि हाँ भाई, है। कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है अब बात करते हैं की। क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इस थम सकिंग से तो थम सकिंग नंबर ऑफ चेंजेस इन डेंटल आर्च और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्योंकि वो समबिट की, की वजह से डेंटल आर्च में भी प्रॉब्लम हो रहा है एज वेल एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में भी हो रहा है तो सिवियरिटी ऑफ द बाय डिपेंड ऑन ट्राइडेंट फैक्टर ये जो माल हो रहा है वो तीन फैक्टर्स में डिपेंड होता है ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्योंकि सारे थम्सकिंग मालक्लूजन नहीं करेंगे अगर एक बच्चे ने एक दो बार रखा है फिर नहीं रखा है तो उसको मालअक्लूजन कभी नहीं होगा और एक जो हमेशा रख रहा है उसको होगा तो ड्यूरेशन सबसे पहला ड्यूरेशन कितने टाइम तक रख रहा है या वो पूरे दिन तक रख रहा है या थोड़े दिन तक रख रहा है माउथ में वो फ्रीक्वेंसी कितनी एक बार रख रहा है दो बार रख रहा है पांच बार रख रहा है दस बार रख रहा है कितनी बार रख रहा है वो इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ज्यादा फोर्स लगा रहा है या हल्के से रख रहा है वो तो इन सब पे डिपेंड होता है तब हम पता लगाते हैं कि कितना माल करेगा वो अब इससे होगा क्या लिबियल टिपिंग ऑफ मैगजरी एंटीरियर टिथ ऑ अफकोर्स ये बात है अगर बंदा थम लगाएगा पैलेट पर प्रेशर लगाएगा तो एंटीरियर मैगजलरी प्रोक्लाइंट हो जाएंगे वो एकदम टिप हो जाएगा आगे तो प्रोक्लीनेशन ऑफ मैगजलरी एंटीरियर हो जाएगा अब ओवर जैट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रोक्लीनेशन ड्यू टू प्रोक्नेशन तो अब क्या होगा अब जब प्रोक्लिनेशन हो रहा है आप इस फिगर में देख रहे हैं प्रोक्लिनेशन आपने ओवरजेट ओवर बाइट पढ़ा होगा तो ओवरजेट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ ओवरजेट बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मान लो ये अपर इंसाइजर है ये लोअर इंसाइजर है इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो ओवरजेट कहलाता है और जो ये हाइट है वो ओवर बाइट कहलाता है ओके आप याद रखिएगा नहीं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा तो यहाँ ओवर जेट मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो देखो कितना डिस्टेंस बढ़ गया ये थमसकिंग का केस है जहाँ पे प्रोक्लाइन टीथ हो गया और कितना स्पेस ओवर जेट है ओके okay? तो ओवर जेट बढ़ने के चांसेस है एंटीरियर ओपन बाइट अब ओपन बाइट भी हो रहा है यहाँ पे इसका बाइट क्लोज नहीं हो रहा है माउथ इसका मैग्जरी टीथ ऊपर है लोअर है तो इतना बीच में गैप है तो ये ओपन बाइट हो गया है अब थमसकिंग की वजह से नैरो आर्च हो रहा है अब ये प्रेशर यहाँ लगा रहा है तो ये जो पोस्टीरियर टीथ है वो अंदर को जाएंगे अंदर को जाएंगे तो नैरो आर्च हो जाएगा यहाँ पे देन चाइल्ड डेवलप टंग थ्रस्टिंग हैबिट अब ये स्पेस हो गया यहाँ पे तो ये क्या करेगा बार बार टंग लाएगा बाहर को तो टंग थ्रस्टिंग हैबिट भी बढ़ सकती है इस कंडीशन से अब बात करते हैं डायग्नोसिस आप डायग्नोस कैसे करोगे कि बच्चे को थम सकिंग हैबिट है तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को क्वेश्चन करेंगे ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ हैबिट कि ये कितने बार डाल रहा है थम को अपने मुंह में uh, तो वो सब हम लोग पूछेंगे उसको कितने देर तक डालता है तो पेरेंट्स से पूछेंगे फिर हम लोग इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करेंगे उसके मुंह में देखेंगे अगर प्रोक्लाइन टीथ है तो इस, इसका मतलब वो सकिंग uh, हैबिट uh, कर रहा है uh, तो वो देखेंगे फिर ओवर जैटे देखेंगे तो इंट्रा ओरल पूरा एग्जामिनेशन करेंगे फिर एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन हम लोग देखेंगे जैसे प्रेजेंस ऑफ क्लीन नेल्स एंड कैलस ऑन द फिंगर अगर वो फिंगर बार बार डाल रहा है तो उसका नेल्स पूरे साफ होंगे सलाइवा से ओके okay? और कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा आप इस फिगर में देख सकते हैं तो आपको ऐसे पता लगाना है थोड़ी तो ये डायग्नोसिस हो गया अब मैनेजमेंट ऑफ थमसकिंग की बात करते हैं थमसकिंग हो गया अब मैनेज कैसे करें उसको तो साइकोलॉजिकल अप्रोच चिल्ड्रेन लैकिंग पेरेंटल केयर लव एंड एफेक्शन रिसोर्ट टू दिस हैबिट जो लोग बच माँ बाप से बिछड़ जाते हैं छोटे बच्चे छोटे बच्चे तो उनमें क्या होता है एक इनसेटी फील होती है तो इसकी वजह से वो हैबिट आ जाती है उनमें तो अब उनको हटाने के लिए हमें पेश पेरेंट्स को काउंसलिंग करना है उनको लव एफेक्शन देना है बच्चे को जिससे वो ना हो ऐसे अब एक हाइपोथेसिस दिया है बीटा हाइपोथेसिस दैट इज डॉप हाइपोथेसिस ये बोलता है कि सजेस्ट दैट द चाइल्ड शुड बी आज टू सिट इन फ्रंट ऑफ लार्ज मिरर एंड आज टू सक ऑब्जर्विंग हिमसेल्फ मतलब इसने क्या बोला कि एक बड़े शीशे के सामने बच्चे को खड़ा कर दो और उसको बोलो कि वो हैबिट बार बार करे तो बच्चा करेगा पर बच्चा अपने हैबिट को देख के खुद ही शर्माएगा कि मैं अजीब लगेगा उसको माउथ डाल के तो इसी वजह से वो इस हैबिट को पहचानेगा आइडेंटिफाई करेगा और छोड़ने की कोशिश करेगा तो ये ने दिया है बीटा हाइपोथेसिस अब बात करते हैं मैकेनिकल एड्स मैकेनिकल मैकेनिकल एड्स एड्स इससे भी नहीं छूट रहा तो देंगे कैसे रिमाइंडिंग अप्लायंसेस देंगे तो रिमाइंडिंग अप्लायंसेस से उसको बार बार रिमाइंड होगा कि हाँ ये कर रहा था मैं तो क्रिप प्लेस पैलेटली टू तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में ये क्रिप्स है मेटल का बनाते हैं स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं इसमें दो टाइप का आता है रिमूवेबल ब्रेकर्स और फिक्स्ड uh, आता है तो ये जो आप देख रहे हैं एक प्लेट ये रिमूवेबल वाला है पेशेंट बच्चा निकाल सकता है तो ये जो क्रिब्स है जब जब भी वो थम को डालेगा तो इस क्रिब्स में उसका थम अटैच होगा उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे माउथ में कुछ लगा तो वो नहीं डालेगा तो ये एक रिमूवेबल हैबिट ब्रेकर्स है दूसरा फिक्स हैबिट ब्रेकर्स है जिसको फिक्स किया जाता है मोलर्स में बैंड के थ्रू फिक्स रहता है ये भी एक क्रिप्स है पैरटल क्रिप्स बोलते हैं इसको और एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंसेस भी होता है अगर माउथ में नहीं लगाना है तो एक्स्ट्रा ओरल थम गार्ड लगाते हैं ये थम गार्ड है तो अगर ये माउथ में लेगा तो पेशेंट नहीं ले पाएगा बिकॉज ये प्लास्टिक का होता है तो वो ले नहीं पाएगा तो इसकी वजह से ब्रेकिंग हो सकता है उसका हैबिट केमिकल अप्रोचेज भी होते हैं टू uh, क्या करते हैं यूज ऑफ बिटर टेस्टिंग और फाउल स्मेलिंग हाथ में थम में फिगर में फिंगर में क्या करते हैं ऐसा प्रिपरेशन लगाते हैं ताकि वो बिटर टेस्ट हो तो माउथ एक बार माउथ में ले वो तो दोबारा ना ले उसको तो ऐसा फिर dissolve in volatile medium. पेपर डिजोल्व इन वोलाटाइल मीडियम पेपर सॉल्ट होता है वो लगा देते हैं हाथ में क्वनिन लगा देते हैं ऐसा फिर टीडा ये ऐसा है एक प्लांट होता है वो एक ये प्लांट होता है एक्चुअली तो उसका जो वो होता है उसमें लगा देते हैं ये भी ताकि वो बच्चा हैबिट ब्रेक कर दे ठीक है तो गाइज थैंक यू सो मच आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम आगे के हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में लिखिए अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं अगले वीडियो में आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा थैंक यू सो मच